जो आपके लिए प्राण तक गंवाने के लिए तैयार है, जो आपके मान सम्मान रक्षा और पगड़ी का लाज बचाने के लिए तैयार होता है, तो हमारे समाज के लोग तरह तरह के खंड खंड में बंटकर समाज को लोग तोड़ने का काम करते हैं। आपसे मैं बताना चाहता हूं, भी आपका मैं हमने देखा, यह एक हमारे क्षेत्र में भी चंद्रशेखर यादव है, एक रक्षा शिक्षा मंत्री बना था, शिक्षा मंत्री बना था, वह शिक्षा मंत्री डर से कमिश्नर के डर से ऑफिस में नहीं गया, ऑफिस में नहीं गया, शिक्षा मंत्री था, डर से कमिश्नर के डर से ऑफिस में नहीं गया। ऑफिस में न जाने के कारण लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार का पोस्टल पूरे गांधी मैदान और पूरे पटना में पट गया था। वही नीतीश कुमार ने आदेश दिया कि जितना पोस्टल पर्चा लगा हो उप मुख्यमंत्री रहते हुए कबरवा कर फड़वा कर फेंकवाने का नीतीश कुमार ने काम किया। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, यदि मंत्री कमजोर है तो नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जहाँ पर तेजस्वी बैठे हैं, आपका नेता वो भी बैठे हैं, वहाँ पर न मुख्यमंत्री सीएम के नाम लेते हैं, न किसी मंत्री का नाम लेते हैं, नीतीश कुमार नाम लेते हैं कि यह कमिश्नर का देन है, जो शिक्षक का बहाली में इतना नौजवानों को नौकरी मिला। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये बात की दुख है, कितना कितना बताएंगे हम बात, आप लोग जब तक सोचिएगा नहीं, जब तक समझिएगा नहीं, आप तो वोट दे दिए, मगर पांच साल के बाद हम आपसे पूछेंगे कि पांच साल के अंदर यह सामंती तनाशाह आपको क्या काम करके दिखाया है, बताएंगे आपसे, बताए हैं कि 25 में क्या होने जा रहा है, आपसे हम पूछेंगे 25 के बाद। इसलिए आप लोग बहुत महान हैं, बहुत परिवार है, आपका हमारा दोष नहीं है। यदि हमको हराने के लिए 25 विधायक को लगाया गया, गांव गांव में घुमाया गया और 7-8 बार हेलीकॉप्टर उतरा, और वही नहीं, आपका हमारा जितना 6 विधानसभा में विधायक है, सभी लोग विधायक में हमारा घूम घूम कर हमारे लोग को गुमराह कर मनोबल कमजोर करने का कोशिश किया, मगर हम आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि ददन जादव टूट जाएगा, मगर भारत के अंदर ददन जादव किसी से झुक नहीं सकता, यह हमारी प्रतिज्ञा है। हमारा तो आपका प्यार है, दुलार है, आपका सम्मान है, हम चाहते थे दियारांचल बने, हम चाहते थे दियारांचल में काम हो, यहाँ पर आपका हम चाहते हैं कि शाहबाद के अंदर कोई भी विधायक बने जिसके अंदर में थानाबार प्रभारी हो, डीएसपी हो, ब्लॉक हो, जो आपका फोन से कह दे कि हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जाता है उस व्यक्ति को तुरंत काम करना है, इतनी औकात कोई विधायक और एमपी नहीं रखता। आपसे मैं बताना चाहता था, इसलिए आए हुए तमाम राजपुर के यह मुखिया जी यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर सभी हमारा अमीरी जी भी बैठे हैं, आज आपका बिलारी जी के भी फोन गया था, हम दिल्ली से भागते भागते आपके बीच आए हैं, हम दिल्ली में रह गए 3 महीने। आप लोग सोचते हो कि ददन जादव हार गया तो चल गया कार्य, हम हारे नहीं, सब लोग हारता है, हमने देखा बहुत दुनिया, जब लड़ाई होता तो लालू जादव 125 सीट पर थे, 125 ले 22 सीट पर आ गए, अब 22 सीट ले फिर समय आया तो 80 सीट पर पहुंच गए, तो इसलिए घबराना नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, ददन जादव को भी घबराया नहीं, ददन जादव को भी सोचा नहीं, हम तो इतना तक प्रतिज्ञा किए हैं कि यदि जनता नदी नाला पर शरीर बिछा कर पार कराना पड़ेगा तो ददन जादव शरीर बिछा कर भी पार करने के लिए तैयार। सबको मोबाइल खा गया, इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ कि अब समस्या है, समझ अब अभी हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम बोलते नहीं लड़ते हैं, अब 25 के बाद बताएंगे, आए अपने लोग को भी बताएंगे कि आपने क्या सोचा समाज को कमजोर करके, हमारी समाज और हमारा परिवार पूरे देश स्तर पर डाउन होते जा रहा है, जबकि हमारा समाज और परिवार का पूरे हिंदुस्तान में हमने घुमा, हमारे जितना कोई का वोट हमारा परिवार का जितना है उतना किसी जात का वोट नहीं है पूरे भारत के अंदर। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग समझ के सोच के बढ़िया बढ़िया यह लोग बात हमारा भाई लोग बताए हैं,
कि समाज को जुड़ना चाहिए। समाज कैसे जुड़ेगा? आप जब कोई समाज में चलता है, समाज की रक्षा करने का संकल्प लेता है, हमारे डूबा हुआ देहरांचल के पानी से बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए जो संकल्प लेता है, उसको टांग में लंगी मार के आप गिराने का काम करते हो, आप समाज को बचाने की बात करते हो। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि अब हम हमारा कमलवास जी हैं भारत के सबसे बड़ा मशहूर गायक है, और मोहन जी बलिया से कमलवास द्यास्ती जी, यह बड़े बड़े कलाकार लोग हैं। हम आप लोग के बीच में बोलना नहीं चाहते हैं, मगर इतना जरूर कह देना चाहते हैं कि आपका जैसा भी जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां पर आप याद करिएगा ददन जादव आपके दरवाजा पर 24 घंटा खड़ा रहने का संकल्प लिया। इसलिए आप ये नहीं समझ जाइएगा कि ददन जादव विधायक नहीं है, आना ददन जादव एमपी है। जिता के देख लिए, जिता के देख लिए कि एक दरोगा दरोगा कहा कि तुम्हारे जैसे सांसद अपना पाकिट में रखते हैं, रामगढ़ के थानादार ने इसी एमपी को बताने कहने का काम किया। वही नहीं, आपके बीच में आप लोगों ने देखा कि यही सांसद मंत्री था, कमिश्नर या अधिकारी इसका बात नहीं सुनता था, लाचारी में नीतीश कुमार के दबाव में इसको मंत्री पद से पद भी छोड़ना पड़ा। वही नहीं, आपसे मैं बताना चाहता हूं, मंत्री विधायक सब बन जा, मगर कमिश्नर हो, चाहे डीजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे कलेक्टर हो, मंत्री विधायक यदि उसके जाता है ऑफिस में, तो वह सिस्टम है, वह संविधान बताता है, वह आपका लोकतंत्र बताता है कि डीएम हो चाहे कमिश्नर, यदि विधायक और मंत्री सांसद जाता है तो दरवाजा खोलकर उसको ले आना है, और जब तक सांसद मंत्री विधायक बैठ नहीं जाता है तब तक उसको बैठना नहीं है। यही है, बताइए, हम इतना हमारे त्याग है, आपसे मैं बताना चाहता हूं। इसलिए आप लोग अब गाना सुनिए बढ़िया, हमारा कमलवासे जी एक हैं कि हम बचपन से देख रहे हैं, आई भी हमको बहुत सहयोग करते हैं राजनीति में, चुनाव में, तो इनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। चेयरमैन साहब इतनी साथ देने में पीछा हो गए थे, बाकी अब ठीक हो जाए। हम कहने ही कि हमारे चेयरमैन के बनाने में भी तनी पीछा हट गए थे, बाकी अब हो जाएंगे ठीक। का कहते हैं भैया जी, एगो बात जान लीजिए भैया जी, हमारा किसमौर ढूंढोर है, ये कुल नहीं चलता सातपुरी है, मगर हमारे खानदान में 442 टाइटल है पूरे भारत के अंदर, 8 टाइटल यहीं पर है, 8 टाइटल हमारे खानदान का है, तो हमारा खानदान का गिनती नहीं हो सकता, ना हमारा कोई जात जादो है और ग्वाला है। इसलिए आए हुए सभी के चरणों में गिरकर नन्हे बच्चे को प्यार दुलार करते हैं। अब ये अपना परिवार के नौजवान से ये इतना जरूर कहना चाहते हैं, अब ललन भी आ गया है समय गमछी की, गमछी लेके बाप के बाप 12 रुपया की गमछी पहुंचना ही उतान आदमी हो जाता है कि एक कोनो सीमे नहीं के बुझाता कि बाप मातारी गमछिए नहीं के दे दे, गमछिए नहीं के बुझाता कि देख ले, गमछिए नहीं हम देख ले, बताओ। अरे अपना देखो, अपना परिवार के, अपना खानदान के इज्जत सम्मान देखो, वही काम करेगा। यहाँ पर कोई आफत विपत पड़ जाएगा तो आपके सामने कोई खड़ा होने का साहस नहीं जुटाएगा, और ददन जादव जरूरत पड़ेगा तो आज भी ददन जादव कोनो लाइन नहीं भुलाया है, आज भी आपके रक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए तैयार है। इसलिए आए हुए नन्हे बच्चे को भी प्यार दुलार करते हैं, बूढ़े पुराने गर्जियन के चरणों में गिरकर राजपुर के पवित्र भूमि को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि धरती माँ जरूर आशीर्वाद दीजिए कि जो लोग जैसा उम्मीद रखता है वैसा उम्मीद पूरा करके दिखा दे। यही संकल्प के साथ अपना बात हम समाप्त करते हैं। कुछ कहने का मौका मिला मंच पर हमारे
बड़े भाई केदार जी भी अपना है ए सुना है भीतर हट जा अब क्या बतिया होगा। केदार भाई जी भी विस्तार से आप लोग के बारे में, समाज के बारे में, संस्कृति प्रोग्राम के बारे में, समाज सेवी विनोद जी भी अपने तरफ से समाज के सुधार के बात बोले, सत्येंद्र कुंवर जी भी समाज के बारे में बात बताए। आप लोग के बीच में हमारे जिला के चेयरमैन साहब भी संस्कृति के साथ साथ समाज को के बारे में भी यह बताने का काम किए। हम पहले माता के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि दुनिया में माँ ही एक ऐसी है जो अपने बाल बच्चा संतान के बारे में सोचती है। माँ नहीं रही तो यह सृष्टि पर कोई नहीं रह सकता। इसलिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे माता को स्वर्ग में भी इनका स्थान मिले। आप लोग से अब ज्यादा बात बोलना नहीं चाहते हैं। समाज बहुत बिखर गया है, समाज सुधारना, सांस्कृतिक प्रोग्राम सुधारना बहुत कठिन हो गया है। समाज में जो लोग को चाहिए, जो सही वफादार समाज के सेवक, हम तो एक मास्टर की नौकरी छोड़कर हमने यह प्रतिज्ञा किया समाज में कि हमारे समाज, हमारा परिवार और कोई भी गरीब लोगों पर अत्याचार ददन जादो के जीते जीते नहीं कर सकता। आपसे मैं बताना चाहता हूं, आज भी मैं बता देना चाहता हूं, जो हमारा भाई, हमारा परिवार ददन जादो के साथ रहा है या हमारे साथ नहीं रहा, तभी आज भी आप लोग के बीच में संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके मान सम्मान पगड़ी के रक्षा के लिए ददन जादो के हाथ में हथियार उठाना पड़ेगा, तो ददन जादो इसके लिए पीछा नहीं हट सकता। आपसे मैं बताना चाहता हूं, राजनीति, राजनीति में हार जाने से कोई का व्यक्ति जो समाज सेवी होता है, जो समाज में राजनीति करने की भावना रखता है, वह कभी भी जनता वोट से यदि हरा देता है, लेकिन राजनीति करने वाले व्यक्ति का यदि मनोबल ऊंचा रहता है तो उसका हार नहीं होता है। आप यह न समझिए कि हार गया, राजनीतिक व्यक्ति कभी हारता नहीं, इसलिए कि हमने